नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हंगामा टाइम्स न्यूज है। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर, और ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। कुदरत की मार ने किसान को रोने के लिए छोड़ दिया। वहीं खेतों को नष्ट कर रहे खुलेआम जंगली जानवर। धान की मंडी में अधिकारी भगा रहे हैं जंगली जानवरों को और परेशान कर रहे हैं किसानों को। आपको बता दें, इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली नवाबगंज से आ रही है, जहां कुदरत की मार बहुत बुरी होती है। इंसान परेशान पर किसान भी है परेशान। बारिश ने धान को बेकार कर दिया, उधर गेहूं में हाट खुले जानवर जंगली जानवर उसे नष्ट भी कर रहे हैं। उनको किसान को किसी तरह का सुख नहीं है, किसान के ऊपर पड़ी है भगवान की मार, और जिसके चलते अधिकारी खुली मंडी में जंगली जानवर घुसे आ रहे हैं और अधिकारी भगा रहे हैं जंगली जानवरों को। वहीं कर किसान भी है परेशान अपने गेहूं को लेकर के। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। हाँ। क्या मामला है तुम्हारा धान का? कल से लेटेंगे, कल सवेरे से आएंगे, पूरी रात होगी लेटे लेटे, बंदर सब मारे जा रहेंगे। तो क्या बताई? क्या बताई, देखो जो कागज हमारे अंडूर बता दो उनने हो। क्या बताओ, सांप चढ़ गया ऊपर, दुई फेराओ हमको नहर के पानी में दिहारी रात हम। तुम ये बताओ कि क्या बताया, क्यों मना करी धान के लिए? क्या पता, बोले धान खराब है तुम्हारो, देखो हमारा धान, हमारा धान पहले फूट गया, लाइव कैमरा ऊपर खराब है। क्या नाम तुम्हारा? वीरेंद्र पाल। कहाँ से आयो? नरपुर गौरीगढ़। क्या धान मंडी में आया, क्या वो भाई? मंडी में देखो कल सुबह से हम आए हैं, पूरी रात लेटे हैं सब, आधे तो बंधन ने बहन बहुत परेशान करो। अब यहाँ पर आए के धान भाई रिजेक्ट हो। कितने बीघा हो लमसम में धान हमारा? 50 क्विंटल है। तो क्या कह रहा था जी? ये कह रहे हैं भैया जो रिजेक्ट हो जो है कागज देखो। तो का बीमारी बताई जैसे धान में? बीमारी उमारी कुछ ना बताई, जो जा पाई हो कुछ, हम इतने पढ़े लिखे हैं ना, ये कह रहे हैं घर ले जाओ बोलो, सब ही बता देते हम, क्यों परेशान होते, पर डीजलो हमारो खराब हो। और क्षतिग्रस्त बदरंग और भुने हुए दाने 5% है, नमी 17% है। हालांकि अब नमी का कोई ऐसा इशू रह नहीं गया है, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गए। फिर अपरिपक्व को सिकुड़े हुए दाने वो 3% होने चाहिए, और कार्बनिक और अकार्बनिक 1-1% होना चाहिए। तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक है, इसी के अनुसार किसानों का लगभग आज सुबह से कितनी टालियाँ तुल चुकी हैं, कितनी मतलब यहाँ से वापसी जा रही है, क्या कारण जैसे हो सकता है? वापसी अभी तक दो या तीन टालियाँ पास हुई हैं, दो या तीन ही थी। तो क्या संदेश चला किसान के लिए, वो कैसा लावे है, या आने बात ही आए परेशान होकर लौट जाए किराया? हमने भी मानक में ये छूट दी है कि हाँ, अगर 5% सरकार ने निर्धारित किया है, 7% आएगा तो भी हम ले लेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं सरकारी मानक को छूट, क्योंकि हमारी भी टालियाँ मिलों पे जाती हैं, मिलों से वहाँ पे एक एक कट्टे में परखी लगती है और वहाँ से रिजेक्शन होके वापस फिर हमारे पास आ जाता है। हम उसका क्या करेंगे, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा। अभी इनके 10% है, इनमें क्या थोड़ी सी 7% होता तो हम कर लेते हैं। 10% आप भी जान रहे हैं, क्योंकि 5% का है, दुगना का अंतर पड़ जाएगा, 6 होता 7 होता हम करवा देते।